था भीष्म को इंग्लिश का बूट लाया था तो फटा हुआ था वो फाड़ दिया पूरा फटा हुआ मिल गया तो बैंड बजा दो। काना का बुक फटा हुआ ना तो ऊपर का कवर फट गया है, पेज नहीं फाटा है काना। नहीं फाटा, ये फाड़ दिया, पेज नहीं फटा हुआ था। आज अगर इससे फाड़ा होगा दिखाना दोपहर में तब इसकी आज इनकी बैंड बजा दो। सच बोल जल्दी, फाड़ा है कि नहीं फाड़ा है? बुक फाड़ने की चीज है, बुक कब आएगा खुद ही मम्मी बताएंगी। लगा दे इसको, इसकी पिटाई करूंगी। ये स्पेलिंग लर्न करके आई हो? ये अच्छा अभी सुन लेती हूँ, ठीक है? 5 मिनट बैठो। ये लिखना है, ये स्किप 2 है, 32 के बाद 33 छोड़ के 34 लिखेंगे। 58 है ना, 58 के बाद 59 60। कहाँ गड़बड़ कर रखा है, रुको। देखा, एक सेकेंड। हाँ, एग्जेक्टिव वर्ड द डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है उसी को विशेषण बोलते हैं। तो डिस्क्राइब का मतलब होता है विशेषण, विशेषता, उसके गुणों को बताना। जैसे एग्जांपल में ये 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 लिखना है। ठीक है, 62 है। एक सेकंड, अभी आप वो याद करो तो हिंदी का लिखो, तो अभी इससे पूछूंगी आपको वर्ड मीनिंग, ठीक है? आते ही शुरू हो जाएगी, शर्म नहीं आता तुम्हें? मैं तो मुझे डर आ रहा है, मैं करूं पैसे दे, इससे मैं नहीं लेगा। चलो बोलो स्लाइड, ऐसा आई थी आकार में लग गया तो, और स्लाइड डी के बाद स्लीप, ऐसा एल डबल ई पी, फिर था सी पर, एस एल डबल पी एस आई ना, एस आई आर डबल डबल गलत है, स्लिम एस एल आई एम स्लीप, एस एल आई डबल सी पी स्लैंट, एस एल ए एन टी स्लो, एस एल ओ डब्ल्यू ए स्टोर, एस टी ओ आर ए स्टैम्प, एस ए एम एस टी ए एम पी स्लाइड, एस एल आई डी ए स्टेप, स्टीम कोई बात नहीं छोड़ दो, स्टीयर्स ए आई आर एस, स्टोर एस टी ओ आर ई, स्टॉप एस टी ओ पी, गुड। अब ये हो जाएगा तुम्हारा वर्ड मीनिंग, ठीक है? मैं वर्ड मीनिंग थोड़ी है, मैं वर्ड मीनिंग नहीं है। अरे वो तो पता है कि इस लिखित इसे स्पेलिंग को स्ट्रीप, ये चॉपस्टिक्स, ये सब नाम दिया, सरप्राइज, मैं भी ये लिखा, तो इसको वर्ड मीनिंग बोलते हैं ना। ये ने लिखा है और ये सब लिखा मेरे कॉपी में। मेरा नहीं, पहले उसको बता लेने दो, उसको हाँ। मम्मी कॉपी नहीं दे रही, कॉपी खड़ा है। आराम से, आराम से। एक और कॉपी का इंग्लिश की,
एक सेकेंड, अभी सीट पे चलो, वन बाई वन, एक सेकेंड रुको, कहाँ चली गई एक ही बार? रुको रुको, एक सेकेंड, उतना दूर कहाँ चले गए? ऑटो वाला ये करो, ये मल्टीप्लिकेशन। हाँ अच्छा, एक सेकेंड बेटा, नहीं वो करते, मैम से मैं पूछ लूंगी ना, क्यों छोटी छोटी बात पे वो करते हो? देखो इसमें असेंडिंग में क्या होता है, सबसे आज तुम सबको भी असेंडिंग कराऊंगी, दोनों भाई बहन को आ जाए इधर एक बार, समझ लो, ऐसे मुंह मत बनाओ, इधर आ जाओ, अनु इधर आ, ऋषिका इधर आ, तू खड़े हो। एसेंडिंग में होता है कि सबसे छोटा नंबर पहले आता है, तो ये नंबर में सबसे छोटा क्या है, 10 है ना, तो हमने 10 लिखा, उसके बाद क्या आता है 20, फिर 20 लिख दिए, उसके बाद 30 तो है नहीं, 40 आता है तो 40 है तो 40 लिख दिए, उसके बाद 50 आता है, उसके बाद 60 आता है, उसके बाद 70, 70 नहीं है ना, 80 है, तो लास्ट में 80 है तो लिख दिए 80, बस यही होता है असेंडिंग, ठीक है। अभी सब में नंबर ऐसे ही तुम्हें देख के जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बड़ा। मेरा रिचिका और इधर चलो, तुम दोनों, तुम्हारा भी तो वही है असेंडिंग डिसेंडिंग, पहले उसको मैथ कर लेने दो, पहले ये असेंडिंग लिख के करके लिया, जाओ जल्दी से कॉपी में, जाओ असेंडिंग, ये नंबर उतार के फटाफट करो, आज टाइम लगाई ना तो सोच लेना घर भेज दूंगी उसी टाइम। कॉपी यहाँ क्यों दी थी, मैं बोली नहीं थी कि कॉपी नहीं देना है अभी? मैं तो दी नहीं हूँ मैम, ये मेरा है, मैम इसमें इसमें डाला होगा, अपनी कॉपी लेके जाओ तीनों। हाँ आप देखो, अब तुम आ जाओ इस पे, हाँ आज तुम्हें ये करना है, वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है, और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, ये लिखना है, ये लिखना, ये लिखना है पहले, दूसरे में ये लिखना है, बुक दो हिंदी की कॉपी और एडिंग डाल दो, ये सब करके आई थी संस्कृत लिपि, क्या होती है संस्कृत, देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, गुरुमुखी हाँ, और उर्दू का फारसी, राज्य भाषा देखेगा, राज्य भाषा, अच्छा मेरे बुक में है, देखो वर्ण किसे मम्मी हाँ कहते हाँ, हाँ वर्णमाला किसे कहते हैं, हाँ याद नहीं है, क्यों नहीं याद है, वर्ण के कितने भेद होते होते हैं, उनके नाम लिखो। ए मैम काना ऋषभ तब से बोल रहे, ऋषभ क्या है, क्या बुक है, तो जो आपको नहीं आता है, ए एम एम ए एन एन सब चीज पढ़ चुका है, तो कहते इनको कुछ आता नहीं है, देख लो इंग्लिश भी लेके जाओ एक साथ, फिर इन दोनों भाई को बहन को कराऊंगी। हाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया था ना, सब्जेक्ट किसे कहते हैं करवाई हूं, नहीं अब ये लिखोगी व्हाट इज सब्जेक्ट और व्हाट इज प्रेडिकेट, दोनों ये और ये, व्हाट इज सब्जेक्ट और इसमें व्हाट इज प्रेडिकेट, ठीक है लो।
एग्जाम्पल मेरे से पूछना हिंदी में क्या देना था राज और भाषा भाषा राज और भाषा भाषाएं मैं बोल दूंगी तुम लिख उतार लेना इधर हेडे ठीक है ये आ गया समझ में इसमें एक और अलग तरीके से होता है तो अभी तो इजी वाला ही समझो फिर हार्ड वाला अलग होता है आज बट इजी वाला दे रहे ठीक है क्योंकि फोर्थ में हो ना तो हो सकता है ऐसा ही हो लाओ बुक्स दो ये याद नहीं की हो ना अभी किसमें से लिखी हो दो ना उसको एक बार मेरा वो नहीं आने है बस लिखो ना एग्जेक्टिव था ना तुम्हारा हो गया नाउन अब लो पकड़ो इसको रखो अब फिर से एक बार रिवीजन करवा दो व्हाट इज नाउन व्हाट इज प्रोनाउन व्हाट इज एग्जेक्टिव ठीक है हो गया रोमन नंबर एल ढंग से लिखा करो अंजलि ये एल एल चलेगा ना यहाँ लिखते लिखते आंख में दर्द हो जाता है क्या हैं अगर ये जिस दिन भूल गई ना तेरी उसी दिन हड्डी पसली तोड़ूंगी नहीं 55 ठीक है अब 100 तक तुम्हारा रोमन नंबर हो गया है मैं आगे सिखाऊंगा पीछे भूलते जाना तब बताऊंगी उस दिन अभी असेंडिंग समझाई हूं ना असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हैं मम्मी ये कहां पे लिखूं कौन सा भाषा हाँ वही लिखो ये वर्ण है भाषा थोड़ी हाँ वर्ण है देखो इधर जाएगा काट खाले ए अभी नहीं लो इसको फ्रिज में रख दो जा दोनों को रख दो बाद में खाना पिघल गया हाँ तो इसीलिए ना उसमें रखोगे ये तो सही है ये पिघल गया है कोई बात नहीं जाओ जेब में रखा था ना हाँ गर्मी से जाओ ये याद करके आई हो चलो सुना फिर दिन में तारे देखने लगी नहीं याद की थी ना नहीं याद की थी ना जल्दी बोलो यस या नो याद की थी नहीं करती है ये कौन सा हार्ड था ए से अ बोलने में प्रॉब्लम हो रहा था जल्दी बोलो बोलती है कि नहीं जल्दी जल्दी बोलो अरे इतना जिद्दी कैसे है तुम बोलो इसे आ, जल्दी पहले ये लर्न करके सुना बोलो ये भी नहीं याद किया था हो गया नहीं याद किया था ना दोनों तीनों भाई बहन पढ़ते नहीं है पढ़ते नहीं है उठाओ इसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं है इनको संज्ञा याद करवाई हूं ना संज्ञा किसे कहते हैं अभी लिख के दिखा ये किसका है वो भी लिखेगी ऐ लो अंजलि जब पहले इंग्लिश का मुझे याद करके सुना हाँ वो पिघल वाले को फ्रिज में रख दिया मैंने
हाँ ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर ले तो वो सही हो जाएगा तो खा लूंगा। संज्ञा बाप का भी एक चॉकलेट किसे कहते हैं? और दीदी को थैंक यू बोला था? मैंने दिया ही जैसे लेके भाग गया। कुछ नहीं बोला था? मैंने बुलाया ना तो बोल रहा हूँ ठीक है, तो मैंने चॉकलेट दिखा भागे भागे लिया और चल गया। देखो एसेंडिंग ऑर्डर, अभी एसेंडिंग बताई हूँ ना, हाँ तो करके ले आना है। मैम इसको पता भी दिया मैंने किसके लिए? कान्हा तुम्हें पता है दीदी ने किस लिए दी है? हैं बोलो। बर्थडे है मेरा? बर्थडे नहीं है दी, हाँ दीदी का वो नंबर पास हुई थी ना क्लास में, कैसे तुम्हारा रिजल्ट निकला था? हाँ हाँ हाँ, तो कान्हा का फर्स्ट उतना अच्छा नहीं ना था, अभी जाने वाला हूँ मैं क्लास में, इसीलिए कान्हा नहीं खिलाया। मम्मी देखना, देख लीजिए अब मैं बच्चों को काम करवा। बैठो नहीं बोलो पापा मेरा तो ऐसे आ का सही होगा डबल ऐसे आ आई से पापा मेरा सही है डबल ऐसे ही हो गया भैया यू से उ हां हां पापा क्या हो गया हो गया हो गया हैं पापा हो गया डबल ओ से तो इसीलिए तो नहीं मैं बोल रही थी मेरा बुक भी पता ना मेरे पर्स में चेंज पैसा है कि तो। तुम दोनों को मैं पीटू पहले बोल दो कौन दोनों को पीट दे अभी याद करके सुनाना तुम्हें आधा याद है बस आधा ही याद करना है 10 रुपए है मेरे पास 15 रुपए दे देख लीजिए है मुझे कहाँ देखा मुझे काना पर्स मेरा दियो तो उसमें से निकाल के देखो के से का के एच से खा जी से गा जी एस से गा वाई एन से आना ये लर्न करना है अभी इसमें तुम्हें यहाँ तक याद है री आर आई से री ये याद करना है दे अपने मम्मी का ही ना लेना तेरे से मम्मी का पैसा मुझे होगा तब न लीजिएगा तो 5 रुपए दे तो दे 6 रुपए है 5 रुपए चाहिए ना 25 रुपए चाहिए 25 रुपए चाहिए कितना आपके पास है 10 रुपए तो वो 6 रुपए दे दो तो 30 रुपए ना चाहिए 25 रुपए चाहिए मैं देखा करूँगा तो 1 रुपया का ये कि नहीं है भैया तो 75 6 रुपया है लीजिए तो मतलब तू 1 रुपए उसको कम दे देगी 1 रुपए बचा के क्या कर लेगी तू अरे मैं क्या करूंगी मम्मी दे दे आ चल कर गो करो जल्दी हां जा दे आज शायद है इसका है लेकिन गए यहीं पे देखी थी उतार ली ए थोड़ा फ्रेश फ्रेश उतारो ना दो दो तीन लाइन छोड़ छोड़ के क्या करना है पेन बोलते बाबू इनका पेपर पर तो है वो नहीं होगा वो होगा ग्लू हाँ फिर से इसको ढंग से इरेज करो ये क्यों यहाँ की थी ये यहाँ टीप था फिर कब बनाओ भी कहाँ ये कैंसर करती दी थी क्या तुम सब बच्चे हो गए बहुत व्हाइट ग्लू है व्हाइट ग्लू कोई बात नहीं अरे मिटाने वाला है चिपकाने वाला नहीं है ये मिटाने वाला नहीं है चिपकाने वाला है इरेजर दो बुद्धू बनाते श्रम नहीं आता छोड़ दो मैं यहाँ उतारू कोई चीज में इनको पड़ेगा अब देखो एसेंडिंग अब रहने दो बाद में करना
आपका सारा रौनक हो गया, सारा हो गया काम, दो हो गया। अच्छा अभी तो तू रीड करो तो, अभी देरी उतार के देखो कैसे होता है। एक नंबर डाल दिए 40, 20, 10, 60, 80, 50। दूसरा इसका आंसर नीचे लिखेंगे 13, 15, 72, 65, 38, 44। तीसरा यहाँ आ गया। अरे उसको कर लेने दीजिए ना, मैं बैठ हो रहा हूँ। काना मैं पैर धो रहा हूँ, कुछ मैम आपके पैर धो जाने दो, यही ये काम है इसका है। 902, 920, 29, 92, 290, 209 हो गया। अब ऐसे करो, चलो जवाब करो इसको, लो देखो मैं अब बेबी ए आ जाओ रौनक समझा दू। देखो ये स्पेलिंग दिया हुआ है ना, बी ए बी ए वाई बेबी, तो लिखेंगे बी ए बी, ये वाई को नहीं लिख करके इसके लिख जगह लिखेंगे ई आई ई एस बेबीज। वाई जहां होगा ना वाई की जगह पे आई ई एस जोड़ना है, ठीक है। बेबी बेबीज, स्टोरी स्टोरीज, ऐसे गो। अभी दे दू आई ई एस जोड़ना है, ये तीनों। हाँ देखो F R Y try लो, चलो कर हो गया। अरे ढंग से नीचे बैठ, नीचे आ, अब करो मैं देखूंगी बाद में ना। मम्मी देखो थी मैम, इसमें 10 है सबसे छोटा नंबर 10 है ना। हाँ तो 10 है तो 10 डालो मैम।